ओम शांति। आज हम अव्यक्त बाप दादा के 24 अक्टूबर 1981 को चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। मुरली का विषय है सच्चे आशिक की निशानी। रूहानी माशूक शिव बाबा अपने सच्चे रूहानी आशिकों के प्रति बोले, आज बाप कहाँ आए हैं और किन्हों से मिलने आए हैं? जानते हो किस रूप से विशेष मिलने आए हैं? जैसे बाप का रूप वैसे बच्चों का रूप। तो आज किस रूप से बाप मिलने आए हैं जानते हो? इसमें बाबा ये कह रहे हैं कि जो मिलन होता है वो किसी संबंध से होता है, और जैसा संबंध होता है वैसा रूप होता है। जैसे हाँ बाबा ने कहा बाप मिलने आए हैं, तो बाप तो बच्चे से ही मिलेगा। इसी प्रकार से माँ के रूप में भी बच्चे से मिलेगा। और इसी प्रकार से बाबा कहते हैं, खास पूछ रहे हैं कि आशिक जो है वो किस रूप से मिलेगा। तो इस मुरली में बाबा ने ये बताया है कि परमात्मा माशूक है और आत्माएं सब आशिक हैं। एक माशूक है, अनेक आशिक हैं, ये बाबा ने खास बताया। लोगों ने यह जो गलती कर दी है कि परमात्मा के अनेक रूप हैं, ये गलती है व राइट है। इस समय बाप अनेक संबंधों के अनेक रूपों से मिलते हैं। बाबा कहते हैं कि भक्ति में जो भी कुछ कहा गया है उस सब के पीछे असल में कोई ज्ञान की बात थी, लेकिन वो ज्ञान की बात लुप्त हो गई और उसका रूप अर्थ बदल गया है। जैसे भक्ति में कहते हैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जिस चीज़ से बहुत प्रेम होता है वो हर वक्त सामने नज़र आती है। माँ का बच्चे से प्रेम होता है, छोटे से बच्चे से, तो माँ कुछ भी करती सारा दिन लेकिन उसको बच्चा ही बच्चा दिखाई देता है। माँ का बच्चा स्कूल से लेट आए तो माँ को चिंता लग जाती और बच्चे के तस्वीर उसके सामने लगातार आती रहती है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं ये जो भक्तों ने कहा भगवान के अनेक रूप हैं, तो इसको मोटे रूप से देखा जाए तो यही लगेगा कि उनको परमात्मा के असली रूप का पता नहीं है, इसलिए वो सभी रूपों को परमात्मा के रूप कह देते हैं। बल्कि जब हम समझाते हैं किसी को तो दो एक्सट्रीम बातें बताते हैं कि देखिए, एक ओर तो लोग कहते हैं कि परमात्मा का नाम रूप है ही नहीं, और दूसरी फिर एक्सट्रीम में कहते हैं सभी नाम रूप परमात्मा के हैं, तो इसका मतलब हुआ वो कन्फ्यूज हैं। पर आज बाबा कह रहे हैं कि वर्तमान समय, क्योंकि बाबा बच्चों के साथ अनेक रूपों से मिलते हैं और ये भगवत गीता के फर्स्ट पेज पर टाइटल पर ही लिखा हुआ है परमात्मा के संबंधों का, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, आगे जाके कहा है तुम्हें सर्वम मम देव, ये सारे ही संबंध तेरे साथ हैं। तो वो बाबा कह रहे हैं कि भगत एक सेंस से तो ठीक कहते हैं, क्योंकि अनेक रूपों से बाप बच्चों से मिलते हैं, तो उन्होंने कह दिया परमात्मा के अनेक रूप हैं। तो एक के अनेक रूप संबंध के आधार से व कर्तव्य के आधार से प्रैक्टिकल में है ना? हाँ, दुनिया में भी होता है। एक व्यक्ति है, जज है, कोर्ट में वो जज है, और घर में क्या है, किसी का पिता है, कोई उसका पिता है, कोई उसका ग्रैंडसन है, कोई उसका फ्रेंड है, तो उस वक्त वो जज के रूप में थोड़ी होता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं। तो भगत भी राइट है ना, आज किस रूप में बाप मिलने आए हैं और कहाँ मिल रहे हैं? आज की मुरली में सुबह वह संबंध सुना है। तो बाबा कहते हैं
बाबा शाम को आए हैं तो बाबा कहते हैं वो जो संबंध था, जो बाबा मिलने आए हैं, वो आज सुबह की मुरली में था। तो बाप कौन हुआ और आप कौन हुए? आज रूहानी माशूक रूहानी आशिकों से मिलने आए हैं। कहाँ मिलने आए हैं? सबसे ज्यादा मिलने का प्रिय स्थान कौन सा है? ये फिर बाबा उस हिसाब से पूछ रहे हैं। कभी बाबा अपने आप को शमा कहते हैं कि बाबा शमा है और आत्माएं परवाने हैं। तो परवाने अनेक होते हैं और कई प्रकार के होते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा कि एक प्रकार से मैं माशूक हूँ और बच्चे आशिक हैं। अब आशिक और माशूक का मिलना किस स्थान पे सर्वश्रेष्ठ गिना जाता है वो बाबा बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि सबसे ज्यादा मिलने का प्रिय स्थान कौन सा है? रूहानी माशूक आप आशिकों को आदि के समय में कहां पर ले जाते थे, याद है ना? अब बाबा कहते हैं जब यज्ञ स्थापित हुआ था उस समय जो परमात्मा की पधरामनी ब्रह्मा जी के रथ में हुई, तो उस समय आप शरीरधारियों को कहाँ पर ले जाते थे, याद करवा रहे? तो बच्चों ने कहा सागर पर। हाँ। तो आज भी सर्व खजानों और गुणों से संपन्न सागर के कंठे पर, साथ में ऊंची स्थिति की पहाड़ी पर, शीतलता की चांदनी में रूहानी माशूक रूहानी आशिकों से मिल रहे हैं। क्योंकि जब यज्ञ का इतिहास सुनते हैं या पढ़ते हैं तो यही पता लगता है कि बाबा कराची में एक क्लिफ्टन बंगला था, वहाँ पर रहते थे और वहाँ सागर बिल्कुल सागर के किनारे ही था, तो बच्चों को नेचुरली सागर पर ले जाते थे। तो बाबा उसको बता रहे हैं कि वो सागर पानी का था, ये ज्ञान सागर है, प्रेम सागर है, इसके किनारे पर। और फिर बाबा कहता ऊंची पहाड़ी पर, तो ऊंची पहाड़ी मैंने ऊंची स्थिति बाबा ने बताया है। तो बाबा कहते फिर चांदनी, शीतल चांदनी में। तो तीनों का अर्थ बाबा ने संसारिक चीज़ों का ज्ञान से जोड़ के बताया। तो बाबा ने कहा तीनों ही साथ में है। हाँ। आज रूहानी आशिकों को देख रूहानी माशूक हर्षित हो रहे हैं और कौन सा गीत गाते हैं, हर एक अपना अपना गीत सुना रहे हैं। वैसे तो एक ही गीत सुन सकते हैं, लेकिन बाप सभी का गीत सुन सकते हैं। दुनिया में तो किसी को सुनना हो तो एक ही गीत सुनेगा, लेकिन बाबा कहते हैं कि रूहानी तौर पे रूहानी आशिक जो है मशूक है वो अनेक आशिकों के सभी के गीत इकट्ठे सुन सकते हैं। आशिक अपना गीत गा रहे हैं और माशूक गीत का रिस्पोंड कर रहे हैं। जो भी गीत गाओ सब ठीक है। हर एक के स्नेह के बोल बाप स्नेह से ही सुनते हैं। आशिकों को माशूक को याद करना सहज है ना? सहज और निरंतर याद का संबंध और स्वरूप ये रूहानी आशिक और माशूक का है। बाबा कहते हैं कि किसी चीज को भी अनेक संबंधों से याद किया जाता है, लेकिन बाबा कहते हैं निरंतर का, सदा का और सहज का, जिसमें आपको मेहनत ना करनी पड़े, वो संबंध कौन सा है? पिता पुत्र का भी संबंध है, लेकिन पिता पुत्र का संबंध थ्रू आउट तो नहीं चलता ना। वो कोई इस प्रकार का कनेक्शन नहीं है कि पिता और पुत्र सदा और सहज रीति से इसी संबंध में रहें, और काम में भी आना पड़ता है। किसी का पुत्र जो है वो किसी का पति भी हो सकता है, उसके अपनी संतान भी हो सकती है, उसके ऑफिस में भी कुछ हो सकता है। तो कोई भी संबंध ऐसा नहीं है जो निरंतर और सहज रहे, यानी वो ऐसा पावरफुल संबंध हो जो आसान भी हो और जो भुलाने से भी ना भूले। तो बाबा ने कहा वो संबंध आशिक और माशूक का है। बाबा ने बोला याद करना नहीं पड़ता। हाँ। लेकिन याद भुलाते भी भूल नहीं सकते। हाँ, ये होता है।
आज हर एक आशिक के स्नेह को देख क्या देखा। अब बाबा ने कहते हैं ना, जैसे लैला मजनू है, तो कहते हैं कि मजनू को लैला ही लैला दिखाई पड़ती थी। तो वो संबंध भुलाए भी भूलता नहीं है। उस संबंध से बाबा ने कहा कि मैं माशूक हूँ, आप आशिक हैं। गीतों की भी बात कही, तो अब बाबा आगे बता रहे हैं। आशिक अनेक और माशूक एक, लेकिन अनेक अनुभव यही कहते हैं कि मेरा माशूक, क्योंकि स्नेह का सागर रूहानी माशूक है। जितना भी स्नेह ले, फिर भी सागर अखुट और संपन्न है। अब बाबा ने सागर का मिसाल दिया कि वैसे तो अनेक आशिक हैं, एक माशूक है, लेकिन वो माशूक जो है सागर है, स्नेह का ही सागर है। तो हर आशिक जितना स्नेह लेना चाहे उतना ले ले, फिर भी सागर तो अखुट होता है ना। इसलिए बाबा ने कहा कि सागर होने की वजह से अनेका अनेक माशूक भी होंगे, तो हर एक माशूक यही कहेगा मेरा बाबा, क्योंकि उसको प्राप्ति हो रही है। इसलिए मुझे कम तुम्हें ज्यादा ये बातें नहीं, क्योंकि वहाँ तो और जगह कोई लिमिटेड चीज़ हो तो कहेगा मुझे थोड़ा कम मिल गया, तुमको ज़्यादा क्यों मिला। यहाँ तो अथाह है, जितना ले लो सबको, सब फुलफिल्ड हो जाते। लेने वाले जितना ले, स्नेह के भंडार भरपूर हैं। लेने वाले लेने में नंबर वार हो जाते हैं, लेकिन देने वाला सबको नंबर वन देता है। कहते हैं हर एक को जितना चाहे ले सकता है। अब लेने वाले के ऊपर है, वो अपनी वजह से कम या ज्यादा लेते हैं। लेने वाले समाने में नंबर वार हो जाते हैं। प्यार करना सबको आता है, लेकिन तोड़ निभाने में नंबर हो जाते हैं। कहते हैं ना कि निभाना में मुश्किल होता है, तो हर एक नंबर वाइज ऑटोमेटिकली हो जाता है। मेरा माशूक सब कहते हैं, लेकिन मेरा कहते भी क्या करते हैं, जानते हो क्या करते हैं। अब बाबा नंबर वाइज कैसे होते हैं, शब्द तो मेरा ही कहते हैं, उसमें किस किस प्रकार की वेरिएशन है वो बाबा बताते हैं। तो बताओ क्या करते हैं, फिर फेरा लगाने के बाद जब थक जाते हैं, तब फिर कहते हैं मेरा माशूक। यानी बाबा कहते हैं मेरा कहते हुए फेरा लगाते हैं, और फेरा लगाने के बाद जब थक जाते हैं फिर आके कहते हैं मेरा। तो जैसे परवाने भी होते हैं ना, आप देखेंगे कुछ परवाने होते हैं सीधे ही जाकर शमा पे जल के फिदा हो जाते हैं, और कई जो होते हैं चक्कर लगाते हैं, तो चक्कर में ज़रा दूर रहते हैं, उनको सेक लगता है कि नज़दीक जाएंगे तो हीट आएगी, जल ना जाऊँ। तो जब चक्कर लगाते हैं तो कुछ मिलता तो है नहीं, तो फिर घूम फिर कर जिसको कहते हैं वहीं आ जाते हैं, फिर कहते हैं मेरा मेरा कह के कुछ समय बाद फिर चक्कर लगाने चले जाते हैं, तो फेरी पहनने वाले हो गए ना। और कई आशिक नाज भी बहुत करते हैं। हाँ। क्या नाज करते हैं? हाँ। दीदी दादी। तो बाबा ने बोला दीदी दादी को नाज नखरे तो साकार में आपके आगे ही बहुत दिखाते हैं ना। हाँ। तो दीदी दादी को बाबा संबोधित कर रहे हैं कि क्या नाज नखरे करते हैं वो आपको दिखाते हैं। नॉर्मली माशूक को नाज नखरा करना चाहिए, यहाँ तो आशिक ही नाज नखरे करने शुरू कर देते हैं। तब बाबा बता रहे हैं कि वो क्या करते हैं, वो बाबा आगे बताएंगे। इतना नाज दिखाते हैं। हाँ। हम तो ऐसे करेंगे। हाँ। हम तो ऐसे चलेंगे। आपका काम है हमें बदलना। हाँ। हम तो ऐसे ही हैं। बाप की बातें बाप को सुनाने का नाज रखते हैं। हाँ। यानी जो बाप ने कहा उसको उसी को चेंज करके अपने ऊपर लगा करके नाज नखरा दिखाते हैं। बाप ने कहा तुम जो हो जैसे हो मेरे हो, बाप ने तो हर एक को स्वीकार किया, लेकिन उसका फिर नाज नखरे में ये रूप ले लेते हैं कि हम तो हैं ही ऐसे। आपने कहा था ना जो हो जैसे हो मेरे हो, हम तो ऐसे ही हैं। अब हमें चेंज करना,
आपका काम है, हम तो ऐसे ही रहेंगे। तो बाबा कहता है बाबा के ही शब्दों को गलत उपयोग करके नाज नखरा करते हैं। अगर समान जोड़ी नहीं होगी हाँ, तो दृश्य देखने वाले क्या कहेंगे? बाबा कहते हैं चलो तुम जो भी कहो, लेकिन अपने सामने दृश्य लाओ आशिक और माशूक का। तो अब बाबा कहते हैं कि अगर जोड़ी एक जैसी नहीं होगी तो जो देखेंगे वो क्या कहेंगे? माशूक सजा सजाया हाँ, और आशिक बिना श्रृंगारी हुई शोभेगी। हाँ बताइए। तो आप स्वयं ही सोचो, वह चमकीली ड्रेस वाले और आशिक काली ड्रेस वाली या दागों वाली ड्रेस पहने हुए तो अच्छा लगेगा? हाँ, वो तो जोड़ी नहीं बनेगी। क्या समझते हो? हाँ। फिर कहते क्या है? हमारे दागों को मिटाना तो आपका काम है, लेकिन जब माशूक ड्रेस ही परिवर्तन कर देते हैं तो वह क्यों नहीं पहनते? बाबा कहते हैं दाग मिटाने की तो बात ही नहीं, बाबा तो हमको चमकीली ड्रेस दे देते। कई बार ऐसा होता है, दुनिया के अंदर भी होता है, कि माशूक बहुत धनवान घर का है और आशिक जो है गरीब घर का है, लेकिन जब उनकी जोड़ी को पेश किया जाता है या जब उनकी जोड़ी बनाई जाती है तो अपनी तरफ से ही वो धनवान घर वाले उसको अच्छी प्रकार से उसी के मैचिंग ड्रेस वगैरह दे देते हैं, ताकि जब दुनिया के सामने आए तो जोड़ी तो ठीक लगे। ऐसे तो नहीं होगा कि जैसे बाबा ने कहा कि वो सजी सजाई ड्रेस वाला और वो काली ड्रेस वाला या दागों और दाग भी खून के दाग स्मेल वाले का वाला। तो बाबा कहते हैं तो फिर बच्चे नखरा क्या करते हैं? आपका ही काम है मेरी ड्रेस को चेंज करना, दागों को मिटाना। तो बाबा कहते हैं हम तो आपको चमकीली ड्रेस भी दे दी, किसने कहा कि उस दागदार ड्रेस को पहनो? फिर उसको क्यों नहीं पहनते? दाग मिटाने में भी समय क्यों गंवाएं? हाँ। माशूक का बनना हाँ। अर्थात सबका परिवर्तन होना। हाँ। तो पुरानी काली अनेक दागों वाली ड्रेस की स्मृति क्यों लाते हो? अर्थात बार बार धारण क्यों करते हो? चमकीली ड्रेस वाले चमकते हुए श्रृंगारधारी बन माशूक के साथ चमकीली दुनिया में क्यों नहीं रहते? अब बाबा खुद ही कहता है कि अपने आप से सोचो, जो बच्चे इस प्रकार का नाज नखरा करते हैं उनको दृश्य सामने ला रहा है। और कई दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं, वो साधारण फटी हुई ड्रेस के आदि होते हैं और उनको कहा जाए कि खास मौका है इस पर वो अच्छी ड्रेस पहन लो, तो उनको बोझ लगता है। थोड़ी देर के लिए पहन कर अपनी पूरी करके रसम रिवाज, उसके बाद वो फिर अब जब तक अपनी फटी हुई साधारण ड्रेस में नहीं आएंगे तब तक क्या होगा? तब तक उनको आराम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका संस्कार ऐसा है। तो बाबा कहता है अपने संस्कार को देखो। कहते हैं कि एक बार एक सेठानी थी। अब आजकल के नौकर ठीक तरह काम नहीं करते, डोमेस्टिक सर्वेंट। तो सेठानी ने सुपरवाइज करने के लिए कि मेरी जो सर्वेंट है उससे सारे घर की सफाई करवानी है, तो खुद भी उसने अपनी सबसे पुरानी फटी हुई ड्रेस पहन ली के घर की सफाई कराऊंगी तो कुछ मिट्टी वगैरह मेरे ऊपर पड़ेगी। आजकल लोग अपनी पुरानी ड्रेस रखते हैं ऐसे मौके के लिए, जैसे आजकल होली आती है तो होली में वो पुरानी सी फटी हुई ड्रेस पहन लेते हैं, उनको पता है कि लोग रंग डाल लेंगे, तो उस वो खुशी तो नहीं है कि भाई हमारी अच्छी ड्रेस पर ही कोई रंग डाल जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो ऐसे बैठी करवा रही थी, अचानक उसको मिलने वाले कोई दूर से उस सेठानी के रूप में उसको जानने वाले, किसी ने कहा वहाँ जाओ सेठ और सेठानी का घर है उनसे मिलो, तो उस प्रकार के स्टेटस के लोग आए और उन्होंने घंटी बजाई। तो सेठानी जी ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने उससे पूछा सेठानी से, सेठानी कहाँ है? अब उसको तो बहुत शौक लगा कि भी मैं खुद सेठानी हूँ और ये मेरे से कह रहे हैं सेठानी कहाँ, क्या मैं दासी हूँ? लेकिन वास्तव में क्या था, उसने ड्रेस ऐसा पहन रखा था। तो ये बाबा ने बोला,
वहां कोई दाग लग ही नहीं सकता, यानी चमकीली दुनिया के बारे में जैसे बाबा बता रहे हैं, वहां तो दूर मिट्टी दाग होता ही नहीं, कीचड़ ही नहीं होता। तो बाबा ने कहा, तो हे आशिकों, सदा माशूक समान संपन्न और सदा चमकीले स्वरूप में, अर्थात संपूर्ण स्वरूप में स्थित रहो। माशूक को और भी एक बात की मेहनत करनी पड़ती है। जानते हो किस बात की मेहनत करनी पड़ती है? वह भी रमणीक बात है। जो वादा किया है कि माशूक ने आशिकों के साथ कि साथ ले जाएंगे, तो क्या करते हैं? माशूक है बहुत हल्का और आशिक इतने भारी बन जाते, तो माशूक को ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो यह भी जोड़ी अच्छी लगेगी। आप देखें, कोई पतला दुबला व्यक्ति हो और उसके साथ कोई बहुत मोटी ताजी कोई स्त्री हो और उनकी जोड़ी बने और अच्छी, लोग देख के हंसेंगे ही तो सही ना, कि जोड़ी मैच नहीं कर रही। तो बाबा कहता है कि बाबा तो हल्का है और आपको हल्की दुनिया में ले जाता है, सूक्ष्म लोक में तो वजन होता ही नहीं। तो बाबा कहते फिर साथ ले जाने का मैंने वायदा किया हुआ है, तो इतने सारे को मेहनत करनी पड़ती है, घसीटना पड़ता है लगभग। तो बाबा ने कहा, तो ये भी जोड़ी अच्छी लगेगी। माशूक कहते हैं हल्के बन जाओ, तो क्या करते हैं? हल्के होने का साधन जो एक्सरसाइज है वो करते नहीं, तो हल्के कैसे बने? रूहानी एक्सरसाइज तो जानते हो ना? तो बाबा ने बताया, अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी, सेकंड में स्वरूप बन जाना, ये है रूहानी एक्सरसाइज। जैसे दुनिया के अंदर भी आजकल लोग वेट कॉन्शियस हो गए हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो एक्सरसाइज करते हैं ना, तो कभी हाथ ऊपर उठाएंगे, कभी सामने लाएंगे, कभी नीचे लाएंगे, फिर ऊपर उठाएंगे। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से अपनी जो अवस्थाएँ हैं, निराकारी अवस्था, आत्मा का तो कोई वजन है ही नहीं। फिर बाबा कहते हैं अवक्त अकारी फरिश्ता अवस्था, उसका भी कोई वजन है नहीं। फिर बाबा कहते हैं नीचे आओ तो कर्म योगी, केवल कर्म तो भारी, कर्म योगी तो हल्का। जैसे आप दुनिया के अंदर देखेंगे, किसी कार को खड़ी है, उसको किसी ने धक्का लगाना हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, 5-4 व्यक्ति बुलाए जाते हैं। केवल कार की चाबी घुमा के इंजन स्टार्ट कर दो तो एक व्यक्ति भी उसको घुमाता है। या दुनिया में आप देखेंगे, किसी व्यक्ति का शरीर छूट जाता है तो उसकी बॉडी कितनी भारी हो जाती है। तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कर्म योगी हल्का रहेगा। फिर बाबा कहते उसके बाद आपकी और क्या स्टेज है, आप सेवाधारी हो तो आप विश्व सेवाधारी बनते हो। तो ये भिन्न भिन्न स्टेजेस को सेकंड में बदलने का अभ्यास, ये एक्सरसाइज है, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, वो भी नहीं करते। तो बाबा ने कहा, और कौन सा बोझ अपने ऊपर रखते हैं? वेस्ट की वेट बहुत है, इसलिए हल्के नहीं हो सकते। जैसे दुनिया के अंदर जंक फूड खाते हैं ना, तो उससे व्यक्ति का वजन बढ़ता है। तो बाबा कहते हैं वेस्ट मैंने जिसमें कोई ताकत वाकत नहीं है, तो वेस्ट को बहुत सारी धारण कर लेते हैं, तो बुद्धि के अंदर वेस्ट धारण करने से आत्मा भारी हो जाती है। तो बाबा ने कहा, कोई समय के वेस्ट के वेट में है, कोई संकल्पों के, और कोई शक्तियों को वेस्ट करते हैं, कोई संबंध और संपर्क वेस्ट अर्थात व्यर्थ बना लेते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के वेट बढ़ने के कारण माशूक समान डबल लाइट बन नहीं सकते। सच्चे आशिक की निशानी है माशूक के समान अर्थात
माशूक जो है जैसा है वैसे समान बनना, तो सभी कौन हो, आशिक तो हो ही, लेकिन माशूक समान आशिक हो। अब बाबा ने फर्क बताया है कि दुनिया में भी कहा जाता है कि माशूक को जो पसंद होता है आशिक वही करता है। तब बाबा कह रहे हैं कि मैंने आपको तीन चार प्रकार के फ़र्क बताए। एक तो नाज नखरा बहुत करते हो, बाबा की बात बाबा को सुनाते हो, उसका बाबा ने अर्थ बताया है। फिर बाबा दूसरी बात कहता है कि आप वेस्ट बहुत करते हो और ड्रेस भी जो मैं देता हूँ वो भी नहीं पहनते हो, ना उस लोक में जाते हो और एक्सरसाइज भी नहीं करते हो, तो सारा कुछ ना करने की वजह से आशिक तो रह गए नाम मात्र के, लेकिन मैच नहीं करता। बाबा डबल लाइट है। तो बाबा ने कहा समानता ही समीपता लाती है, समानता नहीं तो समीप भी नहीं हो सकते। गायन भी करते हैं, 16,000 पटरानियां थी, 16,000 में भी नंबर तो होंगे ना। एक माशूक के इतने आशिक दिखाए तो हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं, रूहानियत को भूल गए हैं। तो आज रूहानी माशूक आशिकों को कहते हैं समान बनो, अर्थात समीप बनो। अब देखिए 16,108 रानियां श्री कृष्ण जी को भगवान मान के बताई हैं, पट रानी होंगी उसमें। तो बाबा कहते हैं 16,108 भी तो नंबर वाइज होंगे ना। तो बाबा ने बताया है अष्टरत्न भी हैं, 108 की माला भी है, 16,000 की माला भी है, तो हैं तो सारे के सारे माला के अंदर, लेकिन डिफरेंट क्वालिटी की माला है। और अगर मिसमैच हो, संबंध हो भी, तो उस संबंध को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। अगर मान लीजिए ऐसी जोड़ी हो जिसमें एक व्यक्ति बहुत पतला हो, स्मार्ट हो, और एक बहुत मोटा और आलसी हो, चला भी ना जाए, तो कोई मिलने वाला आएगा तो उसको अंदर छुपा देंगे, खुद बात करेंगे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए संबंध होते हुए भी समानता और समीपता नहीं आएगी। तब बाबा कहते हैं कि समान बनो, समानता ही समीपता लाएगी, और उसमें भी जितनी समानता होगी उतनी समीपता होगी। चांदनी में बैठे होना, शीतल स्वरूप में रहना, अर्थात चांदनी में बैठना। अब बाबा ने बताया चांदनी क्या है, रूहानी तौर पे चांदनी क्या है, शीतल स्वभाव। सागर के किनारे लोग क्यों जाते हैं कि वहाँ बहुत ठंडी शीतल हवा चलती है, पानी की भी शीतलता आती है। कोई थका हुआ व्यक्ति बुद्धि से भी वो सागर के किनारे 5 मिनट बैठता है तो बेहद देख करके, बेहद की लहरें देख करके वो शीतल हो जाता है, इसीलिए लोग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आप तो सदा ही, आपको चांदनी में बैठना, और ये रूहानी चांदनी है, चांद की में रोशनी में और सूर्य की रोशनी में क्या फ़र्क होता है कि चांद की रोशनी शीतल होती है। तो बाबा कहते हैं शीतल स्वभाव ही चांदनी में बैठना है। अगर हमारे स्वभाव के अंदर बीच बीच में ऊपर से हम शीतल रूप धारण कर लें हैं, लेकिन जब जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज़ के पतीले के ऊपर ढक्कन है, लेकिन जो ही ढक्कन खोलो तो इतने ज़ोर से गर्म भाप आए कि आपका चेहरा झुलसने को आ जाए, तो बाबा कहते हैं कुछ शीतल रूप तो नहीं है ना, ढक्कन खोलो तो और ही ठंडी हवा आनी चाहिए, ठंडी चीज़ नज़र आनी चाहिए। तब बाबा कहते हैं शीतलता ही चांदनी में बैठना है। सदा ही चांदनी रात में रहो, चांदनी रात में ड्रेस भी स्वतः चमकीली हो जाएगी, जहां देखेंगे वहां चमकते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि शीतलता हर जगह प्रकट होगी। और सदा सागर के कंठे पर रहो, अर्थात सदा सागर समान संपन्न स्थिति में रहो। तो बाबा ने कहा समझा कहां रहना है, माशूक को यही किनारा प्रिय है। अच्छा, सदा माशूक समान, साथ से साथ, हाथ में हाथ, अर्थात स्नेही और सहयोगी, साथ अर्थात स्नेह, हाथ अर्थात
सहयोग, ऐसे मेरा तो एक माशूक दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति में सदा सहज रहने वाले सच्चे आशिकों को रूहानी माशूक का याद, प्यार और नमस्ते। फिर बाबा आगे पार्टियों से मिल रहे हैं। बाबा ने कहा, आज दिल्ली और गुजरात आए हैं। दिल्ली वाले ये तो नहीं समझते हैं कि हमारे यहाँ जमुना का किनारा है, सागर तो है नहीं, संगम पर सागर है और भविष्य में नदी का किनारा है। संगम में खेला भी सागर के किनारे पर है ना, तो संगम पर है सागर का किनारा और भविष्य की बातें हैं जमुना का किनारा। अब कभी कभी बाबा कहते हैं ना कि संगम युग बेहद का है, संगम युग अथाह है, संगम युग प्राप्ति का है, संगम युग चढ़ती कला है और उसकी भेंट में सतयुग क्या है, सतयुग लिमिट में आ जाता है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन गए सो बन गए, उनके परिवार वाले रॉयल फैमिली वाले जो बन गए सो बन गए, त्रेता के राम सीता बन गए तो बन गए। तो बाबा कहते हैं कहाँ सागर कहाँ नदी, तो वो जो सागर की लहरें हैं, सागर का किनारा है, सागर का बेहद है और ऊपर से शीतलता है, ये संगम पर है। इसलिए बाबा कहते हैं दिल्ली वाले जमुना को ना देखें, संगम युग को देखेंगे तो उनको महसूस होगा कि हम सागर के किनारे हैं, आगे जाके नदी का किनारा होगा। और जमुना भी दिल्ली वाले आज की जमुना को ना देखें, आज की जमुना तो एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, उसका पानी पीने योग्य भी नहीं है, लेकिन भविष्य में भी जो सतयुग में जमुना के किनारे का गायन है वो इस सागर की भेंट में अलग चीज है। तो दिल्ली और गुजरात का क्या संबंध है? दिल्ली है जमुना का किनारा और गुजरात है गरबा करने वाले, तो किनारे पर रास मशहूर है ना, जमुना किनारे पर। तो बाबा ने कहा जैसे यहाँ सागर का किनारा दिखाया है वहाँ जमुना का किनारा दिखाया, तो जो रास होगी वो भी जमुना के बीच में थोड़ी होगी, जमुना के किनारे पर ही होगी ना। इसीलिए दिल्ली और गुजरात दोनों आ गए हैं। अच्छा, विदेश भी आया है। विदेश वाले जैसे अभी निमंत्रण देते हैं ना, आओ चक्कर लगाने आओ, दीदी आवे, दादी आवे, फलाने आवे, तो जैसे अभी चक्कर लगाने जाते हो थोड़े टाइम के लिए, ऐसे ही भविष्य में भी चक्कर लगाने जाएंगे। देखो बाबा ने कैसे इसको जोड़ा है, बाबा ने कहा जैसे को तैसा, जितने को उतना। तो पहले भी बाबा ने बताया कि जो निरंतर सदा सहज स्नेही रहेंगे, और उसके लिए बाबा ने हमको संबंध आशिक और मशूक का बताया, उनका संबंध निरंतर सहज और स्नेही रहता है, किनारा बताया। तो अब बाबा क्या कह रहे हैं कि विदेश भी, विदेश के बहन भाई भी कुछ आए हुए हैं, दिल्ली वाले आए हैं, गुजरात वाले आए हैं। तो बाबा कहते हैं विदेशी क्या करते हैं, 1981 में विदेश के जो सेंटर वाले थे वो क्या कहते थे, प्लीज़ दीदी हमारे देश में आके चक्कर लगा जाओ, सबको रिफ़्रेश कर जाओ, दादी जी आप रिफ़्रेश कर जाओ, या कि जो भी अवेलेबल था आप रिफ़्रेश कर जाओ थोड़ी देर के लिए। तो उनका विज़िट भी जो होता था थोड़ी देर के लिए होता था। बाबा कहते इसी प्रकार फिर नई दुनिया में क्या होगा, वहाँ भी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये सारे बड़े बड़े विदेश के जो कॉन्टीनेंट्स हैं ये सबमर्ज हो जाएंगे, टापू बन जाएंगे, जिसको बाबा कहता है कि आपके, जिसको कहते हैं सैरगाह बन जाएंगे, आपके पिकनिक मनाने के स्पॉट्स बन जाएंगे। जैसे आजकल भी लोग, बड़े धनवान लोग किसी आइलैंड में जाते हैं कि चलो भी वहाँ जा कर के पिकनिक मनाते हैं, तो छोटे छोटे आइलैंड बन जाएंगे, प्लेन से जाते हैं। बाबा कहते हैं वो फिर वो बन जाएंगे, यहाँ भी थोड़े टाइम के लिए निमंत्रण है तो वहाँ भी विजिट थोड़े टाइम के लिए होगा। बाबा ने कहा
एक ही दिन में सारा चक्कर लगा सकते हो, सारा वर्ल्ड एक दिन में घूम सकते हो, ये एटम एनर्जी आपके काम में आनी है, रिफाइन करने में लगे हुए हैं ना, ये है आप लोगों को कोई दुख नहीं देगी, सबसे ज्यादा सेवा कौन सा तत्व करेगा? तो बाबा ने कहा सूर्य। सूर्य की किरणें भिन्न भिन्न प्रकार की कमाल दिखाएंगी, ये सब आपके लिए तैयारियां हो रही है, गैस जलाने की, कोयले जलाने की, लकड़ी जलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, सबसे छूट जाएंगे। अच्छा, बहुत रंगत देखते जाएंगे, वह मेहनत करेंगे और आप फल खाएंगे। फिर यह वायर्स यानी जो तारे हैं, फिर ये वायर्स वगैरह लगाने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के नेचुरल नेचर द्वारा नेचुरल प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन इसके लिए नेचर के सुख लेने के लिए भी अपनी ओरिजिनल नेचर को बनाओ, तब नेचर द्वारा सर्व सुखों को प्राप्त कर सकेंगे। नेचुरल नेचर अर्थात अनादि संस्कार, सुनते हुए भी अच्छा लगता है, तो जब प्रारब्ध में होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। बाबा कहते हैं मैं सुना रहा हूँ कि वहाँ वायर्स नहीं होंगे, चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा, प्रकृति आपका सारा काम करेगी, तो ये लोग साइंस वाले उसको रिफाइन करने की मेहनत कर रहे हैं, एटमिक एनर्जी को डेवलप कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को हार्नेस कर रहे हैं, जब सुनते हुए इतना अच्छा लगता है तो वहाँ कैसा लगेगा? जैसे यहाँ पंछी उड़ते हैं वैसे वहाँ विमान उड़ेंगे, कितने होंगे? जैसे यहाँ पंछियों का संगठन लाइन में जाता है वैसे विमानों के संगठन जाएंगे, ऐसे नहीं एक जाएगा तो दूसरा नहीं जा सकेगा, ऐसे भिन्न भिन्न डिजाइन में जाएंगे, राज्य फैमिली अपनी डिजाइन में जाएगी, साहूकार अपनी डिजाइन में जाएंगे, जहां चाहो वहां उतार लो, अभी प्रकृति जीत बनो तो प्रकृति दासी बनेगी, अभी प्रकृति जीत कम तो प्रकृति दासी भी कम होगी। यहाँ जैसे एक प्लेन छोड़ते हैं, थोड़ी देर के बाद दूसरा छोड़ते हैं, बाबा कहते हैं वहाँ इसकी भी आवश्यकता नहीं होगी, पंछियों के झुंड जाते हैं, क्योंकि वहाँ फुल प्रूफ साइंस होगी। समझा? अच्छा, तो दिल्ली और गुजरात वालों ने अच्छी तरह से मिलन मना लिया ना, गुजरात और दिल्ली वाले आज महादानी भी तो बनने हैं, औरों को चांस देना भी चांसलर बनना है, तो आज दिल्ली और गुजरात चांसलर बन गए। मधुबन निवासी और सेवाधारियों से मिलना है, बाबा को बताया गया, सबको पसंद है ना, इसीलिए बाप दादा गुजरात और दिल्ली वालों से रूह रिहान कर रहे हैं, क्योंकि महादानी बन रहे हैं ना, अभी प्रैक्टिकल में महादानी बनो। अच्छा, क्योंकि बाबा ने बाकियों से भी मिलना है, मधुबन निवासियों से मिलना है, सेवादारियों के, तो उसको चांस देने के लिए बाबा ने कहा दिल्ली वाले गुजरात वाले तैयार हुए तो पहले उनसे बाबा ने मिल लिया। तो ये थे आज के बाप दादा के मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन, जिसमें बाबा ने सच्चे आशिक की निशानी बताई, सच्चा आशिक अर्थात बाप समान बनना, और समानता ही समीपता है। ओम शांति।